नमस्कार स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के साथ मैं रश गौरी खबरों की शुरुआत करेंगे। भूपेश सरकार में मंत्री शिव जहेरिया ने बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी को नशे का आदी बताया था और जिसके बाद से कांग्रेस के तमाम नेता आक्रोशित हैं। तब तक पार्टी के कई नेता मामले को लेकर अब तक एफआईआर दर्ज करा चुके हैं। वहीं अब छत्तीसगढ़ के मंत्री शिव जहेरिया ने स्वामी के खिलाफ सिविल लाइन थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई। जहेरिया के मुताबिक सुब्रमण्यम स्वामी का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, लिहाजा बीजेपी वाले उनका इलाज कराएं। इधर पुलिस ने मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। हम लोगों ने यहां ज्ञापन दिया है और एफआईआर दर्ज करने का थाने में निवेदन किया है और जिस तरह की बातें सुब्रमण्यम स्वामी जी कर रहे हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनका दिमाग थोड़ा सा ठीक काम नहीं कर रहा है। उनको एम्स में भर्ती करके उनका दिमाग का इलाज कराना चाहिए जिससे वो भारतीय संस्कृति और परंपरा को समझने का काम कर सके। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून